एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये जो 641वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस पर आप आए हैं और इस पर क्या इन यहाँ के लोगों के लिए कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगा कि संत शिरोमणि रविदास जी का हम 641वां जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे सबके लिए बड़े गर्व की, बड़ी खुशी की बात है। ऐसे संत दुनिया में बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं और जिस समाज में वो जन्मे उस समाज को हजारों साल से दबा के रखा गया। आज 128 करोड़ की आबादी भारत की है, उसमें लगभग 25 करोड़ उसी समाज के लोग हैं जिस समाज से संत शिरोमणि रविदास जी हुए हैं। और अब से 600 वर्ष पूर्व उन्होंने अगर सबके सामने ये बात कही हो कि कह रविदास चमारा, इस चमार शब्द को बोलने से बहुत से लोग हैं, हमारे बहुत से अधिकारी भी हैं, वो भी घबराते हैं, छुपाते हैं, लोग डरते हैं, लेकिन हमें खुशी है, हमें गर्व होना चाहिए और हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि 600 साल पूर्व संत रविदास जी ने ये बात कही कि कह रविदास चमारा। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा आज के माध्यम से कि संत रविदास जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और जो दिशा उन्होंने हमें दिखाई, जो मार्ग हमें उन्होंने दिखाया, हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब सीधा सीधा है कि मन अगर हमारा साफ है तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसी बात को जोड़ूं तो भगवान बुद्ध ने भी 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने भी मन को निर्मल रखने की बात कही। जैसे एक महिला हैं, उन्होंने पूछा कि भगवान हमें तो धर्म समझ में नहीं आता, बड़ी बड़ी बातें, सरल शब्दों में हमें धर्म समझा दें। तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि धर्म तो वाकई में सरल शब्दों में समझाया जाना चाहिए और समझ में नहीं आया तो फिर धर्म क्या। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जो महिला थी और उनके माध्यम से बाकी और जब 16 लोग थे उनको समझाते हुए उन्होंने कहा कि सब पापस एकरणन, यानी सभी किस्म के जो पाप कर्म हैं उनसे दूर रहो। सब पापस एकरणन कुशलस उपसंपदा, यानी कुशल कर्म, यानी अच्छे कार्य करो और उनकी जो दौलत है उसको जोड़ो। और इसके बाद उन्होंने कहा कि सब पापस एकरणन कुशलस उपसंपदा स चित्त परियोदपनन, यानी मन को नितांत निर्मल कहो, निर्मल करो। एस बुद्धानुशासनन, यही बुद्ध का आदेश है, यही बुद्ध का शासन है। तो यही बात संत रविदास जी कहते हैं जब वो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि संत साहब ने हमें सारी दुनिया को समझाया और जो लोग राजनीति में हैं, जो राजकाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कहा, समझाते हुए कहा कि राज ऐसा होना चाहिए कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसें रहें रविदास प्रसन्न। तो ऐसा राज होना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए, हमें उनकी विचारधारा पे चलना चाहिए और उसको मानते हुए अपना जीवन आगे उसी हिसाब से प्रशस्त करना चाहिए। वकील साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, उन्होंने संविधान की रचना करी और इस देश को जोड़ने के लिए संविधान के दलितों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया संविधान के माध्यम से, जो आज की डेट में कोई भी मनुवादी लोग उस बात को नहीं बोल के राजी हैं, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, संविधान मनुवादी लोग कभी बोलेंगे नहीं क्योंकि वो मनुवाद को स्थापित रखना चाहते हैं। और अगर मैं बात कहूँ जो आज की वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसी मनुवाद को कायम रखने के लिए वो लगातार प्रयत्न कर रही है। एक उदाहरण से आप समझें कि अगर उनके केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ये बात कहते हैं कि हम संविधान को बदलने आए हैं, तो संविधान को बदलने का मतलब ये है कि मनुवाद को स्थापित करना है। पर पूछना चाहूंगा कि अभी आप काशीराम साहब का एक बहुत बड़े लेवल पे कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो उसकी तारीख और कब है वो तो बताना चाहेंगे जरा? देखिए, काशीराम मानवर साहब, काशीराम जी के विषय में छोटा इतना कहूंगा मैं, आज सुखदेव महाराज जी हमारे बीच में हैं। सुखदेव महाराज जी ने कंधे से कंधा मिला के साहब काशीराम जी के साथ में काम किया है, लगातार काम किया है और उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा साहब हैं। और साहब, बाबा साहब के बाद में अगर किसी व्यक्ति ने घर घर में बाबा साहब को पहुंचाया है तो वो मान्यवर साहब काशीराम जी हैं। जितना बड़ा त्याग किया, आज कोई हिम्मत नहीं कर सकता उस त्याग को करने के लिए। We'll be right back.